मंत्री जी, पहले तो आप जीएम और डीआरएम को राजा बना के रखते हैं, एमपी की कोई वैल्यू नहीं। कंफर्मेशन के लिए आपके ऑफिस में, आपके डीआरएम ऑफिस में दलाल घूमते हैं और एमपी का सम्मान आपके रेलवे विभाग में कहीं भी नहीं है। रेलवे का एग्जाम नहीं हुआ, खाली भर्ती पड़ा हुआ है, कोई एग्जाम 11 सालों में नहीं हुआ, बैंकिंग की नहीं हुई। सर, एमपी विपक्ष के भी होते हैं, आप सम्मान करते हैं लेकिन काम नहीं करते। पप्पू यादव जी, मोदी जी, मंत्री जी से पहले आग्रह होगा कि मंत्री जी, माइक, मंत्री जी पहले तो आप जीएम और डीआरएम को राजा बना के रखते हैं, एमपी की कोई वैल्यू नहीं। जब वो क्षेत्र जाते हैं तो वो एमपी का रेस्पेक्ट नहीं करते, एमपी को खबर नहीं करते और उद्घाटन जब कोई रेलवे शुरू होता है तो वहाँ एमपी का कोई सूद नहीं देता। दूसरा, कंफर्मेशन के लिए आपके ऑफिस में, आपके डीआरएम ऑफिस में दलाल घूमते हैं, एमपी की चिट्ठी की कोई वैल्यू नहीं है, कंफर्मेशन नहीं होता है और एमपी का सम्मान आपके रेलवे विभाग में कहीं भी नहीं है। आरसीटीसी ट्रेन खान पान में आपने आरसीटीसी को 4 रुपया में जिस कपड़े की धुलाई थी, आरसीटीसी ने उसको 25 रुपया कर दिया, आप बोझ बढ़ा दिए आम आदमी पर। आरसीटीसी बड़े रेलवों में खान पान तो दे देती है थोड़ा सा, लेकिन जो गरीब का, जहाँ पर लोअर ट्रेन है वहाँ का खान पान बहुत ही गलत है। दूसरी तरफ आप महिला डिब्बा पर, आम डिब्बों में आप लगभग डिब्बा नहीं है, लगभग आप आम आदमी के लिए कोई डिब्बा नहीं है। वह कंफर्मेशन के बगैर जाने वाला डिब्बा 1 या 2 होता है, 12-12 डिब्बे हुआ करते थे, अब 1-2 होता है। गरीब रथ के तरह या कोई जनरल गाड़ी के तरह कोई गाड़ी आपकी नहीं है। वंदे भारत को आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वंदे भारत को आप सभी जगह से कंफर्मेशन करिए, अच्छी बात है, मैं उसको उसका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आप आम आदमी, गरीब, मिडिल क्लास, हमारे अभी चंद्रशेखर जी ने आपसे कहा आप महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था कंपलसरी करिए, महिलाओं के आरक्षण को। और दूसरी तरफ 4 आदमी हम ट्रेन में जा रहे हैं, 2 आदमी का कंफर्म हुआ, 2 आदमी का कंफर्म नहीं हुआ, हम पर आप बोझ डाल देते हैं, उसके बाद हमसे पैसा वसूला जाता है, हमारे परिवार को रोक दिया जाता है और हम भीतर में कितने पैसे वसूले जाते हैं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। इसीलिए उस परिवार का क्या होगा जिसका 2 कंफर्मेशन होगा, 2 नहीं होगा, इस पर हम कभी सुधार की बात हमने नहीं की। दूसरी चीज, जो ST SC EBC और जो छात्र प्रतियोगिता में जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं बाहर, क्या सरकार की कोई दिलचस्पी? एक तो 11 सालों से रेलवे का एग्जाम नहीं हुआ, खाली भर्ती पड़ा हुआ है, कोई एग्जाम 11 सालों में नहीं हुआ, बैंकिंग की नहीं हुई, आप हमको बताइए ना कैसे एग्जामिनेशन हुआ, कितना एग्जामिनेशन आपने ली, कितना ST SC OBC, आपने तो आरक्षण को पीछे दरवाजे से बंद कर दिया, एग्जाम बंद करके निजीकरण आपने कर दिया। और आपसे मेरा 2-3 आग्रह है, आप हमको एक बात आप बताइए, आप विकलांग के लिए क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं? विशेष तौर पर महिलाओं के आरक्षण को कंपलसरी की बात मैंने आपसे कही, महिला सुरक्षा को लेकर के भर्ती की बात, ये सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट है। आप विज्ञापन पर खर्च करते हैं लेकिन आप दूसरों को पैसा देंगे, लेकिन बुजुर्गों के लिए और पत्रकार जो श्रमजीवी पत्रकार है, आप बड़े मालिक को विज्ञापन देंगे, उसको खरीद लेंगे, लेकिन जो छोटे स्तर के पत्रकार है उसका क्या होगा? मैं मैडम खत्म करता हूं, यात्री भाड़ा और माल भाड़ा बढ़ाने के बाद भी आपका रेलवे घाटे में क्यों है? आपने डबल कर दी, ट्रिपल कर दिया, आपका घाटे में क्यों है? कोसी सीमांचल क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, बनमनखी जनता चौक, पूर्णिया कोर्ट स्टेशन, गरबनेली बाजार, जलालगढ़ बाजार, प्रोफेसर कॉलोनी पर आरओबी बनाने का आपसे आग्रह मैं करता हूं। मध्य रेलवे के अधीन सहरसा में रेल मंडल, समस्तीपुर में आजादी के वक्त कांग्रेस के रीजन में हुई, सहरसा में एक रेल मंडल की स्थापना में आपसे आग्रह करता हूं कि उस जोन में कोसी सीमांचल के बीच, सुपौल के बीच में एक रेल मंडल होना आवश्यक है। कोसी सीमांचल को जोड़ने वाली कुर्सेला बिहारीगंज, जो 192 करोड़ रुपया दिया गया था, बोट उसको रोक दिया, बिहारीगंज से खुर्दा होते हुए बीरपुर, फिर देवघर से नौगछिया का आपने कर दिया है, सर्वे जारी है, आपने किशनगंज से आपने जलालगढ़ कर दिया, जलालगढ़ से बनमनखी और बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान,
ये नहीं किया। नौगछिया से उदा किशनगंज मधेपुरा सिंहेश्वर स्थान जो मैं एक मिनट जो शिव की नगरी है उसको वीरपुर तक जोड़ने की व्यवस्था, एक पूर्णिया कोस्ट स्टेशन में वॉशिंग पीट जो आपने कर दिया है अभी तक उसका कार्य शुरू नहीं हुआ। कुछ रेलवे को मैं एक आग्रह करना चाहूंगा जी, धन्यवाद है इनको, हृदय की गहराइयों से मैं इनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन जलालगढ़ स्वीकृत रेल साहेबगंज नदी पर मैंने आपको साहेबगंज सीमा मनिहारी साहेबगंज वाया गंगा नदी पर साहेबगंज में पुल, मैं पूर्णिया जंक्शन बनमनखी और मुरलीगंज मधेपुरा को रेलवे स्टेशन मॉडल स्टेशन बनाने का मैं आपसे आग्रह करता हूं। देवघर से रांची रेलवे नहीं है, रांची देवघर से रांची को जोड़ने का मैं आपसे आग्रह करता हूं। जलालगढ़ बनमनखी बिहारीगंज कुशेश्वर स्थान होते हुए दरभंगा आम एक जनरल बोगी 15707 15708 15713 15714 15909 15910 को कटिहार से भाया पूर्णिया बनमनखी सहरसा चलाया जाए, ये मेरा आपसे आग्रह है। मेरा आग्रह एक बात अंतिम में है आपसे, प्लीज सर एमपी विपक्ष के भी होते हैं, आप सम्मान करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। मेरा आग्रह है हाथ जोड़ के सम्मान कम करिए, कल्याण क्षेत्र का काम कर दीजिए और कुर्सेला टू बिहारीगंज 192 करोड़ रुपया मेरा रिलीज कर दीजिए, यही मैं आपसे आग्रह करता हूं, और आरसीटी जो दलाली करता है उसको रोक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। पहले तो आप जीएम और डीआरएम को राजा बना के रखते हैं, एमपी की कोई वैल्यू नहीं। कंफर्मेशन के लिए आपके ऑफिस में आपके डीआरएम ऑफिस में दलाल घूमते हैं और एमपी का सम्मान आपके रेलवे विभाग में कहीं भी नहीं है। रेलवे का एग्जाम नहीं हुआ, खाली भर्ती पड़ा हुआ है, कोई एग्जाम 11 सालों में नहीं हुआ, बैंकिंग की नहीं हुई। सर एमपी विपक्ष के भी होते हैं, आप सम्मान करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं।